हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल का अंडरस्कोप स्कूल में। मैं हूं आप सभी का होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेंट का बेस मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, गाड़ी जो है डीजल वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है एक्सेंट की फर्स्ट जनरेशन का बेस मॉडल। और ये आप देख रहे हैं इसकी की आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके की मिल जाती है। और ये जो आप सेंट्रल लॉकिंग देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट है। कुछ इस तरीके की साउंड करेगी, ये साइलेंट करने का बटन है। बाकी अब आपको गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा देते हैं। ये गाड़ी जो है 65,000 किलोमीटर चल चुकी है और 2014 का मॉडल है। कंडीशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंडीशन जो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी है इतना टाइम होने के बावजूद भी। बाकी ये जो एक्सेंट है दोस्तों, ये है डीजल वाली आपने काफ़ी कम देखी होंगी, सीएनजी में आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी गाड़ी टैक्सी में चलती हुई। तो आज इसीलिए आपके लिए हम लेके आए हैं एक्सेंट के बेस मॉडल का डीजल में डिटेल्ड रिव्यू। और 65,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। सबसे पहले आपको गाड़ी का फ्रंट दिखा देते हैं। फ्रंट में कोई चेंज वगैरह नहीं है डीजल में। कुछ इस तरीके की आपको लाइट्स मिल जाएंगी, हेलोजन लाइट्स हैं। सेंटर में आपको मिलता है हुंडई का लोगो और इसमें फॉग लाइट्स नहीं मिलती हैं। ये फॉग लाइट आफ्टर मार्केट लगाई हैं, पर ये छुट जाती हैं। आपने देखी होंगी चिपकने वाली लाइट होती है, डबल साइड टेप से चिपक जाती है। फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरीके की दिखती है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, फिर आपको गाड़ी का टायर साइज़ दिखाएंगे कि क्या टायर साइज़ मिलता है। वैसे मेनली 14 इंची का ही आता है इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी पीछे से। यहाँ पे एक्सेंट की आपको बैजिंग मिल जाएगी, ये हुंडई का लोगो है। और जो मॉडल की होती है, एस मॉडल होता है इसके अंदर मेनली, उसकी बैजिंग हट चुकी है। बाकी आपको पीछे रियर डिफोगर वगैरह नहीं मिलेगा, पर एंटीना जरूर मिल जाता है कंपनी फिटेड इसके अंदर। बूट आपको कुछ इस तरीके से खेलना होगा। और ये आप सुन रहे हैं साउंड। तो बूट स्पेस की बात करें दोस्तों, तो एक्सेंट के अंदर आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप जो सेकंड जनरेशन आती थी डिज़ायर की, उससे कंपेयर करोगे तो उससे आपको बूट स्पेस इसके अंदर ज़्यादा मिल जाता है और काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। अब आपको स्पेयर टायर और टूल्स वगैरह दिखा देते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये है गाड़ी का स्पेयर टायर और ये पाना वगैरह। तो जैसा कि आपने देख लिया, गाड़ी के अंदर सीएनजी नहीं है, तो इससे समझ जाओ डीजल ही है ये। अब आ जाते हैं टायर साइज़ की तरफ। इसके अंदर जो है टायर चेंज हो चुके हैं, कंपनी फिटेड टायर नहीं है फिलहाल, योकोहामा के टायर लगे हुए हैं। और टायर का साइज़ है 165/70 × R14। अब आ जाते हैं पीछे पैसेंजर सीट्स की तरफ। उससे पहले आपको दिखा देते हैं डोर हैंडल्स के अंदर आपको ब्लैक कलर का मिलेगा और कुछ ऐसा मिलता है इंटीरियर। पीछे आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलेंगी बेस मॉडल में एक्सेंट के। कुछ इस तरीके से आप इसे ऊपर नीचे करेंगे शीशे को, डोर हैंडल, नीचे बोतल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, लोकल लॉक हैंडल। और ये है गाड़ी का इंटीरियर। बाकी आपको स्पीकर भी मिल जाएगा गेट पे। और ये जो आप सीट कवर्स देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट है। बाकी स्पेस वगैरह की बात करें तो आगे की सीट जो है मेरी 510 के हेड्स के हिसाब से एडजस्ट है और इतना स्पेस पीछे बचा हुआ है, तो स्पेस वगैरह जो है गाड़ी के अंदर ठीक मिल जाता है। बाकी अगर आप पूरी सीट को पीछे कर लेते हैं तो ये देखिए, सिर्फ एक हाथ के बराबर आपको जगह मिलेगी इसके अंदर। तो ज़्यादा पीछे भी नहीं कर सकते आप इसकी सीट्स। पीछे आपको ये अच्छी चीज़ लगी है हमें दोस्तों, बेस मॉडल के अंदर भी पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं और आर्म रेस्ट इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको, इसलिए बंद है। बाकी ये इसकी कुछ इस तरीके का सिस्टम है डिग्गी का,
ऊपर में आपको कुछ इस तरीके के ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हुक मिल जाएगा सामान वगैरह हैंग करना, कोट हैंग करना आपको। सेंटर में आपको मिलेगी रीडिंग लाइट बेस मॉडल के अंदर, और कुछ ऐसा है गाड़ी का सिस्टम अंदर से। सीट बेल्ट वगैरह जो है नॉर्मल मिलती है, एडजस्टेबल वगैरह नहीं है जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ना ड्राइवर की है ना पैसेंजर की है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल कुछ है नहीं पीछे दिखाने के लिए खास, सिर्फ ये चीज है आपको यहाँ पे आपको एक पोर्टल होल्डर मिल जाएगा, और ये आप देख रहे हैं साइड में जो कि आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। पर एक चीज अच्छी है दोस्तों एक्सेंट के बेस मॉडल की, इसमें आपको दो पावर विंडोज मिल जाती हैं आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसे दिखता है गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर, दो पावर विंडोज हैं, ग्रैब हैंडल, थोड़ा सा स्पेस वगैरह, लॉक अनलॉक हैंडल, और यहाँ से आपका सीसा एडजस्ट होगा। इंटीरियर की बात करें कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर, तो इंटीरियर जो है हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले चलते हैं बोनट खोल के और दिखाते हैं गाड़ी का इंजन और ये फ्यूल लिड, दोनों चीज़ें आपको खोल के दिखाएंगे। तो इंजन की बात की जाए दोस्तों तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी के, गाड़ी का डीजल इंजन जैसा कि आप देख रहे हैं U2 1.1, और बाकी इंजन की बात की जाए जैसा कि आप देख रहे हैं 65,000 चलने के बाद भी गाड़ी का इंजन काफी अच्छी कंडीशन में है, और आपको एक बार साउंड भी सुनाएंगे इसके इंजन की कैसी साउंड है। पहले आपको साउंड सुनाते हैं उसके बारे में इंजन के बारे में बताएंगे आपको कि क्या क्या मिल जाता है इंजन में। तो ये की लगा दी हमने, गाड़ी न्यूट्रल में है। तो अब आपको बता देते हैं इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 1120 सीसी का 3 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन, जो कि जनरेट करता है 71 BHP की पावर और 180 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 43 लीटर के फ्यूल टैंक से आपको 23 तक का माइलेज निकाल के देगी। तो चलिए फिर दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी की फ्यूल लिड की तरफ और आपको फ्यूल लिड दिखा देते हैं। यहाँ से बोनट बंद कर दिया हमने, और बाकी बिल्ड क्वालिटी जो है गाड़ी की ठीक ठाक है। तो अब चलते हैं गाड़ी की फ्यूल लिड की तरफ, और यह गाड़ी की फ्यूल लिड, यहाँ से डलेगा इसके अंदर डीजल। सीट वगैरह की बात करें तो ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल वगैरह नहीं मिलेगी, जैसे कि पैसेंजर सीट होती है नॉर्मल वैसे ही मिलेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ इस तरीके का मिलेगा, RPM मीटर भी मिल जाता है आपको, और कुछ इस तरीके से ऑन होगा। इस साइड में आपको शो करेंगे RPM, स्पीड, इंजन हीटिंग, फ्यूल, वार्निंग लाइट्स हैं, ये आपको मिल जाएगा। MID की बात करें तो इसके अंदर आपको ये ट्रिप शो करेगी, ट्रिप ए ट्रिप बी, किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, रेंज एवरेज, ये सारी चीज आपको शो करेगा इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे होगा, नीचे टोटल किलोमीटर्स हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके कंट्रोल्स MID के, इस साइड में आपको मिलेंगे इंडिकेटर लाइट्स के कंट्रोल, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है, इस साइड में आपको मिलेगा वाइपर का कंट्रोल्स, AC वेंट्स हैं, और आफ्टर मार्केट सोनी का म्यूजिक सिस्टम है इसके अंदर। इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में या उससे नीचे वाले मॉडल में मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लॉक मिल जाएगी, ये काफी अच्छी चीज है, कंपनी फिटेड क्लॉक है, ये डबल इंडिकेटर का, AC के कंट्रोल्स, ये ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप अपने टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मोड्स हैं। और नीचे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और नीचे में थोड़ा सा स्पेस है इस साइड में, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। रिवर्स की बात करें तो रिवर्स जो है कुछ इस तरीके से प्रेस करके और आगे डलता है इसका कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आपको दो बोतल मिल जाएंगे, और ये हैंड ब्रेक है आपका, थोड़ा सा स्पेस इस साइड में, इस साइड में। ग्लव बॉक्स की बात की जाए डिसेंट स्पेस है, वैनिटी मिरर बेस मॉडल में मिल जाता है, काफी अच्छी चीज है, और आपको यहाँ पे भी रीडिंग लाइट मिल जाती है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इन्होंने इस चीज में कंजूसी नहीं किया दोस्तों, ये अच्छी बात है। और इस साइड में भी आपको कार्ड होल्डर मिल जाएगा। तो चलिए फिर आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। करते हैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा सिंगल सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट हो गई है, AC ऑन है गाड़ी का,
एसी पे ही आपको टेस्ट ड्राइव करके बताएंगे, और आइडल कंडीशन में गाड़ी के अंदर आपको वाइब्रेशन फील होगी, दिखेगी नहीं पर फील होगी। तो चलिए फिर अब गाड़ी को लेके चलते हैं। ये हमने फर्स्ट गियर डाल दिया, हैंड ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करें दोस्तों तो काफी स्मूथ है, और आप सभी जानते हैं कि हुंडई अपने स्टेयरिंग व्हील के लिए ही जाना जाता है। पर आपको ये चीज बता दे दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो शिकायत आती है ना स्टेयरिंग व्हील की, वो हुंडई के अंदर ही आती है अपनी ज्यादा स्मूथनेस की वजह से। और ये आप देख रहे हैं सीट बेल्ट वार्निंग लाइट मिल जाती है आपको इसके अंदर, तो हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। बाकी आप सुन पा रहे होंगे थोड़ी बहुत साउंड आपको सस्पेंशन में महसूस होगी 65,000 चलने के बाद गाड़ी के। तो चलिए फिर गाड़ी का 0-60 टेस्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये गाड़ी आइडल कंडीशन में आ चुकी है, ये फर्स्ट गियर डाल दिया है, 3-2-1, तो ये गाड़ी पहुंच गई है 30 और ये 60, तो काफी आराम से जो है ना गाड़ी 60 पहुंच जाती है, और 60 से 0 भी आने में कोई खास टाइम नहीं लगता है गाड़ी को। गियर्स की बात करें दोस्तों तो 65,000 चलने के बाद भी गियर्स काफी स्मूथ हैं गाड़ी के। और माइलेज वगैरह की बात कर लेते हैं अब गाड़ी के, तो माइलेज जो है ना ये गाड़ी आपको सिटी में 15-16 का निकाल के देगी, और हाईवे पे जो है ना 20 से 22 के बीच में काफी प्यार से निकाल के देगी, जैसा कि आप फिलहाल देख भी पा रहे होंगे एमआईडी के अंदर 15 का माइलेज शो कर रहा है। तो इतना जो है 15 से 16 का आपको सिटी के अंदर काफी प्यार से निकाल के दे देगी गाड़ी जो है एसी पे, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको छोटा इंजन मिल जाता है जिसकी वजह से माइलेज जो है गाड़ी काफी अच्छा दे देती है। पर छोटा इंजन होने की वजह से आपको जो है ना परफॉर्मेंस में लैग जरूर महसूस होगा, और इंजन के साउंड की बात करें दोस्तों तो इंजन की साउंड आपको काफी कैबिन में महसूस होगी अगर आप म्यूजिक सिस्टम ऑन करके नहीं चलाते हैं, या तो आप इसे इंसुलेशन की कमी मान लीजिए या फिर जो इंजन है उसका उसमें साउंड ही है इतनी। बाकी टर्निंग रेडियस वगैरह जो है थोड़ा सा हाई है गाड़ी का, और ये आप देख रहे हैं 80 जो है थोड़ी मशक्कत करके ही पहुंचती है गाड़ी। ये सामने स्पीड ब्रेकर है, इससे थोड़ा सा तेज निकालेंगे इस बार, और ये आपने सुना कुछ इस तरीके के बम्प और झटके आपको लगने वाले हैं गाड़ी के अंदर। बाकी वैसे बात की जाए दोस्तों तो स्टेयरिंग की तो रिस्पांस काफी अच्छा है, और बात करें स्टेबिलिटी की तो हाई स्पीड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कहीं पे, क्योंकि स्टेयरिंग रिस्पांस अच्छा देता है, और गाड़ी जो है सेडान होने की वजह से थोड़ी चिपक के चलती है सड़क पे। ये आप देखिए स्टेयरिंग व्हील का रिस्पांस जो है ना वो काफी अच्छा है। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं अगर आप डीजल में एक्सेंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छी कंडीशन में और कम चली हुई गाड़ी मिल जाती है तो आप एक्सेंट की तरफ जा सकते हैं। प्राइस वगैरह की बात करें 2014 मॉडल के, तो वो होने वाला है एनसीआर के अंदर 2-2.5 लाख के बीच में, और अगर आप एनसीआर से बाहर हैं तो 10-20 हजार ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी इससे ज्यादा जो है इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। और पेट्रोल वाली एक्सेंट की बात करें दोस्तों तो वो भी आपको सेम ही मार्केट वैल्यू के अंदर मिलेगी, 2.5-3 लाख के बीच में आपको काफी प्यार से मिल जाएगी 14-16-17 मॉडल उस गाड़ी का, 17 तो नहीं 16 तक मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक्सेंट लेने की सोच रहे हैं लें या ना लें तो हम आपको कहेंगे कि आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, थम्स अप है हमारी तरफ से। गाड़ी का मेंटेनेंस भी कम है और गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करोगे तो। तो इतनी ही थी दोस्तों आज की वीडियो हुंडई एक्सेंट के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।